हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेरा टेम्पलेट। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में, जैसे कि आप सभी ने थंबनेल में देखा कि वीडियो स्टेटस और टिकटॉक टाइप एप्लीकेशन में आप लोग कंफ्यूज मत रहिए, आज दोनों ही एप्लीकेशन के डेमो दिखाऊंगा आपको मैं, जो कि मेरा टेम्पलेट के डेवलपर्स द्वारा डेवलप किए जा रहे हैं। टिकटॉक ऑलमोस्ट रेडी है, वीडियो स्टेटस भी लगभग रेडी है, मतलब दोनों ही टिकटॉक 60% तक वर्क कंप्लीट हो चुका है टिकटॉक एप्लीकेशन का, और वीडियो स्टेटस का लगभग 30-40% का वर्क कंप्लीट हो चुका है। दोनों का डेमो मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ, लेकिन वो डेमो आप पहले देख लीजिए, अभी उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे। आप लोग हमेशा कन्फ्यूज रहते हो कि हम टिकटॉक टाइप एप्लीकेशन बनवाएं या फिर वीडियो स्टेटस बनवाएं, ठीक है। दोनों के अलग अलग फायदे हैं, दोनों के अलग अलग फायदों के बारे में बात करेंगे, दोनों में किस में सबसे ज़्यादा अर्निंग है वो भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप लोग ये डेमो देख लीजिए। तो दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं, आपकी राइट साइड में वीडियो स्टेटस एप्लीकेशन है, लेफ्ट साइड में टिकटॉक टाइप एप्लीकेशन है। दोनों में ही काफ़ी फ़र्क है। जो टिकटॉक टाइप एप्लीकेशन है उसमें स्लाइड बटन ऊपर क्रिएट बटन दिया हुआ है, जो वीडियो स्टेटस टाइप, जो कि आपके राइट साइड जिसमें मेरी फोटो आपको दिख रही है, ये एक वीडियो स्टेटस एप्लीकेशन और इसके फंक्शंस काफ़ी ज़्यादा अलग है। ऊपर कैटेगरीज हैं, लाइक फेसबुक टाइप एक लगता है ये, इसके न्यूज़ फीड्स वगैरह, नीचे प्लस का ऑप्शन, साइड में नेविगेशन बार, मतलब सभी फंक्शनैलिटी का सही तरीके से यूज़ इसमें किया गया है। अगर हम टिकटॉक की बात करें तो यहाँ पे हर डिज़ाइन जो आप देख रहे हैं, ये बड़ा ही यूआई डिज़ाइन सिंपल रखा गया है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जितना ज़्यादा सिंपल रहेगा उतना ज़्यादा ही यूज़ होगा वो एप्लीकेशन, ठीक है। प्लस फिल्टर्स, वीडियोज़ वगैरह क्रिएट करने का ऑप्शन दिया हुआ है टिकटॉक टाइप एप्लीकेशन में। अगर आप वीडियो स्टेटस की बात करेंगे तो ये जो वीडियो स्टेटस का एप्लीकेशन है, ये कम्प्लीटली मतलब एक फेसबुक कह लीजिए, इंस्टाग्राम कह लीजिए, उस टाइप का एप्लीकेशन की तरह दिखता है ये, ठीक है। और इसमें फंक्शंस की बात करो अगर मैं वीडियो स्टेटस में, तो यहाँ पे नीचे होम बटन, सर्च बटन, प्लस बटन यानी अपलोड करने का फंक्शन, ट्रेंडिंग बटन और फॉलोइंग का ऑप्शन दिया हुआ है। सेम टिकटॉक टाइप एप्लीकेशन जो है, यहाँ पे वीडियो जब हम शूट करते हैं उस टाइम ज़्यादा फंक्शंस दिया, लाइक वीडियो को एडिट करने का ऑप्शन है, फ्लैश लाइट, स्लो स्पीड, ये सारे फंक्शंस दिए हुए हैं जो कि वीडियो स्टेटस एप्लीकेशन में नहीं दिए गए हैं। तो दोस्तों, दोनों ही एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही काफ़ी डिफरेंट हैं एज़ कम्पेयर, मतलब अगर मैं वीडियो स्टेटस की बात करूँ तो वीडियो स्टेटस एक मतलब लोगों को जो आदत रहती है ना, न्यूज़ वगैरह फीड्स पढ़ना, फोटोज़ देखना, वीडियोज़ देखना एक ही एप्लीकेशन में, उस तरीके का है वो। और टिकटॉक टाइप एप्लीकेशन जो है, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, इसमें किसी भी तरह का कंटेंट मतलब आप देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ वीडियोज़ रहेंगे। लेकिन जो आप वीडियो स्टेटस का एप्लीकेशन आप अभी इस टाइम देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर सिर्फ आप वीडियोज़ ही नहीं, वीडियोज़ के साथ साथ आप न्यूज़ फीड्स, क्यूट्स वगैरह सब कुछ देख सकते हैं, जबकि टिकटॉक टाइप एप्लीकेशन में वैसा नहीं है, ठीक है। और बाकी सारे डिफरेंस आप सबके सामने ही हैं इस टाइम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आप सभी को डेमो पसंद आया होगा, ठीक है। जैसे कि आप सभी ने देखा कि जो वीडियो स्टेटस है वहाँ पे, देखिए टिकटॉक भी एक तरफ से वीडियो स्टेटस जैसा ही एप्लीकेशन है, क्योंकि वहाँ से भी लोग वीडियोस डाउनलोड करके अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे डालते हैं, लेकिन वहाँ पे मेन क्या है कि बहुत स्मूथ चलता है, वो स्लाइड वाले फीचर्स है वहाँ पे। लेकिन वीडियो स्टेटस में क्या होता है कि यहाँ पे वीडियोज़ भी वॉच कर सकते हो आप, साथ में उस जिसने वो वीडियो अपलोड किया है उस यूज़र्स के से रिलेटेड आप और भी जानकारी वहाँ पे ले सकते हो। उसने अगर कुछ टेक्स्ट डाला है, क्यूट्स डाला है, वो भी आप देख सकते हो। उसके बाद में आप इमेजेस भी देख सकते हो, ठीक है। वीडियो, क्यूट्स, इमेजेस, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे देख सकते हैं। ये होता है एक कंप्लीट वीडियो स्टेटस एप्लीकेशन। अब अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो जो इसका कॉस्ट है अराउंड आपको 15-20,000 तक आ जाता है, लेकिन जो टिकटॉक टाइप एप्लीकेशन होता है इसका जो कॉस्ट होता है ये थोड़ा हाई रहता है। अराउंड इसका कॉस्ट आपको 40-45,000 या उससे भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको प्रमोशन ज़्यादा करना पड़ेगा। देखो दोस्तों, वीडियो स्टेटस में क्या होता है कि वीडियो स्टेटस में और भी बहुत सारे आपको एप्लीकेशन मिल जाएंगे, लेकिन वीडियो स्टेटस में अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आप अच्छे तरीके से उसमें इमेजेस, क्यूट्स एंड जो वीडियोस रहते हैं वो सही तरीके से आप डाल रहे हो, तो वो ज़्यादा हिट कर जाता है। अब दोस्तों, वीडियो स्टेटस मतलब वो जो एप्लीकेशन रहता है वो मतलब मोस्टली जहाँ स्टेटस, जैसे स्टोरीज, हम फेसबुक पे स्टोरी लगाते हैं, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं, उन सब चीज़ों के लिए यूज़ होता है मोस्टली, ज़्यादातर उसी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। टिकटॉक टाइप जो ऐप होता है वो एंटरटेनमेंट कराने के लिए, मतलब अगर आप ऐसा एप्लीकेशन बनाते हैं यानी कि आप लोगों का मनोरंजन कराना चाहते हैं या करना चाहते हैं, जैसे भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। हालांकि मोस्टली उसके वीडियोज़ भी लोग व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लगाते हैं, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए ज़्यादा वो यूज़ होता है। आप उसे अच्छे अगर कंटेंट डालते हैं, अच्छे शॉर्ट वीडियोज़ अगर आप वहाँ पे डालते हैं तो वो ज़्यादा हिट हो जाता है, ठीक है। अगर अर्निंग की बात करूँ, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ कि इन दोनों एप्लीकेशन को बनवाने के बाद का प्रोसेस जो रहता है, दोनों में ही बराबर आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है प्रमोशन के लिए। लेकिन ये जो वीडियो स्टेटस टाइप एप्लीकेशन होता है, यहाँ पे कंटेंट बहुत ज़्यादा, आप इमेजेस डाल रहे हो या फिर आप क्यूट्स डाल रहे हो या फिर आप वीडियोस डाल रहे हो, ये बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। और जिसमें यूज़र आपका रहता है, जो भी इसमें यूज़र आपका क्रिएट होता है,
वो भी उस हिसाब से अगर सही तरीके से वीडियोस डालें जैसे लोगों को पसंद है या फिर जो उनको फॉलो कर रहे हैं, तब जाके आपका ये रेगुलरली उसी लेवल पे मतलब एक अच्छा अर्निंग आप यहाँ से कर सकते हो। टिकटॉक टाइप जो टिकटॉक टाइप एप्लीकेशन होता है, यहाँ पे कंटेंट कैसा भी हो एंटरटेनमेंट होना चाहिए। अगर यूज़र्स उसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो मज़ा आ रहा है मतलब लोगों को, ठीक है। अब एंटरटेनमेंट ये जो कैटेगरी का एप्लीकेशन होता है, ये बहुत ज़्यादा हिट तब होता है जब कंटेंट और आप अच्छा खासा प्रमोशन कर रहे हो और एज़ कम्पेयर दूसरे जो एप्लीकेशन मार्केट में चल रहे हैं उनसे कुछ बेहतरीन फीचर आपने यहाँ पे दिया हुआ है। दोस्तों वीडियो स्टेटस एप्लीकेशन में दो तीन चीज़ें जो है नहीं होती हैं जो इसमें एडवांस होती हैं। वीडियो स्टेटस एप्लीकेशन में आप सभी को पता होगा लाइव स्ट्रीमिंग नहीं रहता है, ड्यूट का फंक्शन नहीं रहता है, प्लस लाइव स्ट्रीमिंग करते टाइम जो स्टिकर्स उन्हें मिलते हैं जो उनके फॉलोअर्स देते हैं वो सारी चीज़ें इसमें नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे टिकटॉक टाइप एप्लीकेशन में ये सारी चीज़ें रहती है और ये ड्यूट फंक्शन लाइव स्ट्रीमिंग तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टिकटॉक टाइप एप्लीकेशन में, जिससे कि अर्निंग ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अर्निंग भी ज़्यादा होती है और जो एप्लीकेशन में आपका यूज़र बना हुआ है जिसने वीडियोज़ डाले हैं लाइव स्ट्रीमिंग करते टाइम जो स्टिकर्स पेड करके मतलब बाय करके जो उनके फॉलोअर्स उनको देते हैं तो उनका अमाउंट उनको मिल जाता है। तो ये और अर्निंग की बात करूँ तो यहाँ पे यूज़र इस तरीके से कमाते हैं और दूसरा वीडियो स्टेटस में वो लोग वीडियोस डाल के उस पर जो ऐड आता है उस तरीके से पैसा कमाया जाता है। ये ओनर भी उसी तरीके से पैसा कमाता है और जो सामने वाला यूज़र होता है वो भी उसी तरीके से सेम तरीके से पैसा कमाता है। रिवॉर्ड फंक्शन भी आप डलवा सकते हैं। दोनों के ही अलग अलग फायदे हैं, दोनों को ही आपको सही तरीके से पहले समझना है, उसके बाद आपको डिसीजन लेना है। क्योंकि जब भी आप कॉल करते हो आप बोलते हो हमें टिकटॉक टाइप एप्लीकेशन चाहिए, बाद में फिर आप बोलते हो नहीं इसमें इमेजेस भी चाहिए था, क्यूट्स भी चाहिए था, यार ये कैसे पॉसिबल है, टिकटॉक टाइप एप्लीकेशन है वो वीडियो स्टेटस का है, तो उसे मोस्टली उसे लोग पसंद करते हैं स्लाइड करके वीडियोज़ वॉच करते रहना, ठीक है। हाँ, अब आप इसमें क्या नया कर सकते हैं ये मैं बताता हूँ कि जैसे कि अगर कोई यूज़र्स ने उसमें वीडियो किसी ने डाला हुआ है तो उसके साथ साथ उसमें जैसे YouTube की आजकल स्टोरी में दिया हुआ है कि एक तो स्लाइड वाला फंक्शन हो गया, वीडियोज़ आ रहे हैं, अब उस सेम यूज़र के और भी वीडियोज़ मतलब सिर्फ क्लिक करने पर उसके और भी साइड बाई साइड वीडियोज़ आए YouTube की स्टोरी का। अपने आप अगर एग्जांपल देखना चाहो तो YouTube का स्टोरी जो रहता है हमारा मेन YouTube जो है उसके स्टोरी पे हम जाते हैं तो हम उसको वीडियो स्लाइड भी करके देख सकते हैं, प्लस वो राइट साइड में और भी दिखाता रहता है सेम यूज़र का। तो ये एक नया फंक्शन आप चाहो तो डलवा सकते हो अपने एप्लीकेशन में और इससे आपके एप्लीकेशन को ज़्यादा फायदा होगा, पॉपुलर भी हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको कुछ कन्फ्यूजन्स दूर हो गई होंगी, फिर भी अगर आपके कुछ कन्फ्यूजन्स है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर ज़रूर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, आपको लगा होगा कि मैंने कुछ नॉलेजफुल वीडियो आपको मतलब ये बनाया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।